मॉर्निंग. सो आई एम अतुल जैन फ्रॉम इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग. इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पावर्ड बाय अमित जी हु इज सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट. सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलता हूँ, यहाँ पर एक सब्सक्राइब बटन है. अगर आप नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. यहाँ पर एक बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को प्रेस करिए जिससे आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इंटेलिसिस की मिस ना करें. एंड इस वीडियो में मैं आपसे लास्ट वीक के बारे में डिस्कस करूंगा और इसके साथ इंटेलिसिस अपनी परफॉर्मेंस शीट में फंड एलोकेशन कमोडिटी में कितना फंड एलोकेट कर रहा है, कितना लॉट साइज को मिनिमाइज किया है, राइट, जिससे इंटेलिसिस भी अपनी परफॉर्मेंस शीट में मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर सके. सो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट वीक के बारे में डिस्कस करेंगे और फंड एलोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो गाइस, जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं वीक 13 के बारे में. वीक 13 स्टार्ट हुआ था 28 मार्च को और एंड हुआ था 1 अप्रैल को. 1 अप्रैल फ्राइडे था, राइट. एंड आई एम श्योर आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे जो हमारा मेन मंत्र है, स्पेकुलेशन मत करिए, लेवरेजिंग मत करिए, ओवर ट्रेडिंग मत करिए. एंड ओवर ट्रेडिंग ना करने के कारण ही, राइट, आप भी अपनी परफॉर्मेंस शीट को इंटेलिसिस जैसा बना सकते हैं. सो गाइस, मैं डिस्कस करता हूं. पहला 28 मार्च को इक्विटी में हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 63 रुपीज प्लस में रिकॉर्ड किया है. MCX YouTube में जैसा अमित जी से व्यू देते हैं, कोई कॉल नहीं आते हैं, तो वहां पर नो कॉल, मतलब कोई भी रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है. इंडेक्स में 11,600 रुपीज हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में माइनस में रिकॉर्ड किया है. एंड ब्रह्मास्त्र कॉल के लिए 28 मार्च मंडे बहुत अच्छा था, हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 1,80,000 रुपीज प्लस में क्लोज किया है. एंड इसका डिटेल अंदर का अगर आपको जानना है तो इस लिंक के साथ भी कॉल ट्रैकर डला हुआ है, आप कॉल ट्रैकर में पूरा देख सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र कॉल में मंडे 28 मार्च को कौन सा परफॉर्मेंस शीट में कौन से कॉल्स का, कौन से रिसर्च का एंट्री रिकॉर्ड किया हुआ है. देन करेंसी नो कॉल एग्जीक्यूशन एंड व्हाट्सअप जो भी प्रीमियम सर्विस क्लाइंट लेते हैं, हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 86,250 प्लस में रिकॉर्ड किया है. तो टोटल 28 मार्च मंडे वॉज सो गुड, हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 2,54,713 रुपीज, यस 2,54,713 रुपीज प्लस में क्लोज किया है. देन 29 मार्च ट्यूजडे इक्विटी यूट्यूब नो कॉल एग्जीक्यूशन, MCX नो कॉल एग्जीक्यूशन, इंडेक्स में हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 8,900 रुपए प्लस में क्लोज किया है. ब्रह्मास्त्र नो कॉल एग्जीक्यूशन, करेंसी हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 24,600 रुपीज प्लस में क्लोज किया है. एंड यूट्यूब के अलावा जो प्रीमियम सर्विस में व्हाट्सअप कॉल प्रीमियम क्लाइंट लोगों को मिलते हैं, हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 35,000 रुपीज प्लस में क्लोज किया है. देन वेडनेसडे 30 मार्च इक्विटी यूट्यूब में जो भी व्यू अमित जी ने एक दिन पहले दिए थे, सेकेंड डे व्यू के अकॉर्डिंगली जिस किसी ने भी काम किया होगा, हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 25,210 रुपीज प्लस में क्लोज किया है. MCX नो कॉल एग्जीक्यूशन, इंडेक्स 13,200 रुपीज हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में प्लस में क्लोज किया है. एंड ब्रह्मास्त्र के लिए भी वेडनेसडे बहुत अच्छा था, हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 1,19,375 रुपीज, यस 1,19,375 रुपीज प्लस में क्लोज किया है. करेंसी 21,600 रुपीज प्लस में क्लोज किया है. एंड व्हाट्सअप प्रीमियम क्लाइंट लोगों को जो भी रिसर्च अमित जी देते हैं, हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 9,750 रुपीज प्लस में क्लोज किया. तो इन ऑल मिड ऑफ द वीक वेडनेसडे टोटल क्लोजिंग इन आवर परफॉर्मेंस शीट वॉज 1,89,135 रुपीज. सो वेडनेसडे बहुत अच्छा था. देन 31 मार्च क्लोजिंग डे ऑफ द ईयर इक्विटी MCX इंडेक्स ब्रह्मास्त्र कॉल करेंसी नो कॉल एग्जीक्यूशन एंड व्हाट्सएप के लिए दिन अच्छा नहीं था. 11,500 रुपीज हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में माइनस में रिकॉर्ड किया है. तो टोटल थर्सडे 31 मार्च 11,500 रुपीज माइनस में हमने परफॉर्मेंस शीट में क्लोज किया है. देन 1 अप्रैल नया साल का नया दिन
पहला दिन बहुत अच्छा था, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, इंडेक्स हो, ब्रह्मास्त्र कॉल हो, सबके लिए बहुत अच्छा था। इक्विटी में हमने 25,251 प्लस में क्लोज किया। MCX नो कॉल एग्जीक्यूशन, इंडेक्स में हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 10,000 रुपीज, यस 10,000 रुपीज प्लस में क्लोज किया है। ब्रह्मास्त्र कॉल 40,000 रुपीज प्लस में क्लोज किया है। करेंसी नो कॉल एग्जीक्यूशन एंड व्हाट्सएप में जो भी प्रीमियम सर्विस जो भी क्लाइंट लेते हैं, हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 54,400 रुपए, यस 54,400 रुपीज प्लस में क्लोज किया। तो टोटल फर्स्ट अप्रैल वॉज सो गुड। नया साल का पहला दिन फर्स्ट अप्रैल हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 129,651 रुपीज प्लस में क्लोज किया है। तो इन ऑल अगर देखें, मंडे टू फ्राइडे 28 मार्च टू 1 अप्रैल, इक्विटी हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 50,524 रुपीज प्लस में क्लोज किया। MCX यूट्यूब नो कॉल एग्जीक्यूशन, एज आई सेड कि सिर्फ व्यू दिया जाता है। इंडेक्स 20,500 रुपीज प्लस में क्लोज किया है। एंड ब्रह्मास्त्र जो भी प्रीमियम सर्विस क्लाइंट लेते हैं, उनकी चांदी थी लास्ट वीक, ब्रह्मास्त्र कॉल में हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 3,39,375 रुपीज प्लस में क्लोज किया है। करेंसी मंडे टू फ्राइडे 46,200 रुपीज हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में प्लस में क्लोज किया है। एंड व्हाट्सएप कॉल प्रीमियम क्लाइंट जो भी सर्विस लेते हैं, हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 1,73,900 रुपीज प्लस में क्लोज किया है। तो लास्ट वीक वीक 13 टोटल अगर मैं देखूं, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 6,30,499 रुपीज प्लस में क्लोज किया है। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, लॉट साइज को इंटेलिसिस ने 28 मार्च से 1 अप्रैल तक लॉट साइज को भी मिनिमाइज किया था बिकॉज ऑफ सो फ्लक्चुअलिटी इन द मार्केट। सो मैं लॉट साइज को भी आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूं। लेट मी ओपन माय स्क्रीन टू यू। हमने जो फंड एलोकेशन जो प्लानिंग करी है, इंटेलिसिस जो अपनी एंट्री लेगा अपनी एक्सेल शीट में, क्रूड ऑयल 3 लॉट की एंट्री लेगा, मार्जिन मनी ऑन एन एवरेज 1,90,000 रुपीज लगता है क्रूड ऑयल में, उसको 3 से अगर अपना मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्जिन मनी जो रिक्वायरमेंट है एमसीएक्स के लिए वो है 5,70,000 रुपीज। एनजी को हमने रिड्यूस करके 3 लॉट की एंट्री कर ली है, 1 का मार्जिन मनी 1,25,000 रुपीज लगता है। अगर 3 लॉट की एंट्री लेते हैं तो मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट विल बी 3,75,000। कॉपर 1 लॉट की एंट्री नोट डाउन कर लीजिए, कॉपर हम अपनी परफॉर्मेंस शीट में 1 लॉट की एंट्री लेंगे जिसका मार्जिन मनी 1,90,000 रुपीज लगता है। गोल्ड मिनी को भी हमने मिनिमाइज किया है, हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 4 लॉट की एंट्री लेने वाले हैं, चाहे वो गोल्ड मिनी हो या सिल्वर मिनी हो। गोल्ड मिनी 1,25,000 × 4 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है। एंड सिल्वर मिनी हम 4 लॉट की एंट्री लेंगे, 40,000 × 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 रुपीज का रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आपसे क्रूड, एनजी, कॉपर, गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी, फंड एलोकेशन के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो ऑन एन एवरेज जो फंड का रिक्वायरमेंट है वो 17,95,000 रुपए का रिक्वायरमेंट है। अगर आपको भी इंटेलिसिस के जैसे अपनी परफॉर्मेंस शीट में उतना ही फंड साइज, उतना ही लॉट साइज को अगर रिकॉर्ड करना है तो इतने का रिक्वायरमेंट है। सो गाइस मैंने आपसे डिस्कस किया लास्ट वीक के बारे में, बहुत अच्छा था। मैं यही प्रे करूंगा कि जो वीक स्टार्ट हुआ है वो भी बहुत अच्छा जाने वाला है, राइट। इंटेलिसिस अपनी परफॉर्मेंस शीट में बहुत अच्छा फिगर रिकॉर्ड करने वाला है। आप भी इंटेलिसिस को फॉलो करिए, राइट, अमित जी के मंत्रा को फॉलो करिए, फॉलो वन और फॉलो नन। अगर आप अपने आप को फॉलो करते हैं तो अपने आप को करिए, अगर आप किसी चैनल मीडिया को फॉलो करते हैं तो आप मीडिया को फॉलो करिए, अगर आप इंटेलिसिस को फॉलो करते हैं तो आप इंटेलिसिस को फॉलो करिए, राइट। अमित जी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक आप लोगों के लिए पूरे ऐसे फिगर्स, मैजिकल फिगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे रिसर्च निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप लोग पैसा बहुत बना सकते हैं, बट आपको उसके ट्रस्ट करना होगा, राइट। सो अगले हफ्ते फिर आऊँगा, फिर डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड वीक अहेड। थैंक यू सो मच, बाय।